किसी रोज होगी रोशन मेरी भी जिंदगी, इंतजार सुबह का नहीं तेरे लौट आने का है। कुछ यही कह रही है बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में सालों से इंतजार कर रहे इस बुजुर्ग की दास्ता, जो 26 सालों से किसी अपने के लौटने का इंतजार कर रहा है। देखिए इंतजार और एतबार की ये स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अगर यही सब्र कभी न खत्म होने वाला इंतजार का रूप ले ले तो फिर जिंदगी किसी मौत से कम नहीं लगती। लेकिन सलाम है मधु के एतबार पर, जिसने अपनी जिंदगी के 26 साल किसी के इंतजार में बिता दिए। रामपुर इलाके में सड़क के किनारे खुले आसमां के नीचे 26 साल से बैठे ये बुजुर्ग खामोश किसी का इंतजार कर रहे हैं। गांवों से बाहर पेड़ के पास इस तरह लेटे ये बुजुर्ग अपना नाम मधु बताते हैं। न तो ये किसी से बात करते हैं और न ही कोई काम करते हैं। जिंदगी के जिस समय में लोग काम कर उम्र के इस पड़ाव के लिए पैसे जोड़ते हैं, उस समय को इन्होंने किसी के इंतजार में बिता दिया। इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी हिम्मत जवाब दे देती है, लेकिन रास्ते पर सालों से अपनी निगाहें बिछाए ये बुजुर्ग के हिम्मत और एतबार की दाद देनी होगी, जो 26 सालों से अभी तक कायम है। बिना किसी छत और घर के ये शख्स चुपचाप सिर्फ किसी का इंतजार कर रहा है। वो कौन है और कब आएगा इसको तो पता नहीं, लेकिन गांव के लोगों से बात करें तो बताते हैं कि लगभग 26 साल से वो इन्हें इस जगह पर देख रहे हैं। न तो ये कहीं जाते हैं और न ही आज तक इनसे मिलने कोई आया है। ये तो गांव के लोग हैं जो इंतजार की इस तप में मधु का साथ देते हुए उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें समय समय पर खाना देकर अपना फर्ज निभाते हैं। एक तरफ मधु का एतबार है जो सालों से उसे किसी का इंतजार करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के ये लोग जिनका मधु से कोई रिश्ता नहीं, बावजूद इसके ये लोग मधु का पूरा ख्याल रखते हैं। और खाना 26 साल हो गया सुनने का, खाना पीना क्या खाता है बाबा? जो हम खाते वही खाता है। आप लोग जो हम खाते हैं वही खाते हैं। सीध ऐसे हर हमेशा इसी से लोर फिर कुछ नहीं, हम तो जाते अपना रोजी रोजगार में एकदम सुआ रहता है। आप लोग किस नाम से बुलाते हैं मतलब इनको? उसको अपना दोस्त जैसे भैया के बोलते हैं, भैया बोलते हैं भैया। आखिर वो है कौन जिस पर मधु को इतना एतबार है? ये तो मधु ही जानते हैं। वही वो कब आएगा या आएगा भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन कड़ी धूप और बारिश में भी मधु उसके इंतजार में यूं ही आके बिछाए बैठे हैं, जिसे देख हम बस इतना ही कहेंगे, बस यूं ही उम्मीद दिलाते हैं जमाने वाले, कब लौट के आते हैं छोड़कर जाने वाले। उत्तर दिनाजपुर से पिया गुप्ता की रिपोर्ट। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।